أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات بر محمد برادران عزيز بہرحال آپ کو علم ہے پرسوں میں نے جس کیفیت میں تقریر کی تھی اس سے بھی آشکارا تھا کہ صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے, کل کی مجلس نہیں پڑھ سکا اور آج بھی یہاں تک آنے میں تاخیر ہوئی. دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں, خستہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ بحمداللہ ایک مجلس مکمل ہو چکی ہے, اس لیے زیادہ دیر تک اب بیان کا کوئی موقع آج نہیں ہے. اذن الہی شامل حال ہوا تو انشاءاللہ کل اور پرسوں گفتگو رہے گی. آج صرف تبرکاً حاضر ہو گیا ہوں, اس لیے بھی کہ مومنین نے جس قدر دعائیں فرمائیں اور محبت کا ثبوت دیا انہیں بھی اطمینان حاصل ہو جائے کہ ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ ہود کی ایک مختصر سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہی آیت پرسوں بھی تلاوت کی تھی مگر آیت کے ضمن میں تمام مطالب گزارش نہیں کر سکا تھا, آج بھی گزارش نہیں کر سکوں گا, لیکن تبرکاً اتنا ضرور عرض کر دوں کہ یہ آیت کریمہ اس امام کی شان میں ہے جس امام کے زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. مشہور حدیث پیغمبر ہے, ہر مسلمان کو یہ حدیث یاد رہنی چاہیے. اس حدیث میں نہ روایت کے اعتبار سے کوئی اشکال ہے, یعنی نہ سند کے اعتبار سے کوئی اشکال ہے نہ متن کے اعتبار سے. جو سلسلہ سند ہے وہ بھی درست ہے, صحیح ہے, معتبر ہے, حسن ہے. بہت سے سلسلوں سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. متن میں کوئی اشکال نہیں ہے, متن بہت واضح ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف روایت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ درایت کی بھی ایک روایت ہے. حدیث یہ ہے کہ من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیا, جو بھی مر جائے اس حالت میں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے.
ये ख्याल रहे कि इसमें जो लफ्ज़ है वो है जाहिलियत की मौत, जहालत की मौत नहीं कहा गया है, दोनों में फ़र्क है। जहालत की मौत महज नादानी की मौत है, जाहिलियत उस दौर को कहते हैं जो ज़ुहूर इस्लाम से पहले का दौर था, यानी कुफ्र का दौर, बुत परस्ती का दौर, शिर्क का दौर, जो अपने ज़माने के इमाम की मारिफत न रखता हो और इसी हालत में मर जाए, गोया कि वो कुफ्र की मौत मरता है, शिर्क की मौत मरता है, जाहिलियत की मौत मरता है। जहालत की मौत मरना तो शायद किसी लिहाज से, किसी एतबार से करम इलाही के लिए एक बहाने मग़फ़िरत हो जाए, जाहिल नादान कासिर होता है, जाहिल या नादान कासिर होता है। फ़िक्ह इस्लामी में, हमारी शरीयत में दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक कासिर एक मुकस्सिर। कासिर वो है जो जानता ना हो, मुकस्सिर वो है कि जो जान सकता है फिर भी जानने की कोशिश नहीं करता। बाज़ अहकाम ऐसे हैं कि जहाँ कासिर काबिल अफ़ हैं मगर मुकस्सिर काबिल अफ़ नहीं है। अगर कोई शख्स हुक्म शरई दरियाफ्त कर सकता है और दरियाफ्त नहीं करता, वो मुकस्सिर है, कासिर नहीं है। एक शख्स वो है जो हुक्म शरई दरियाफ्त ही नहीं कर सकता, वो कासिर है, मुकस्सिर नहीं है। कासिर और मुकस्सिर दोनों को एक ही तरह, एक ही किस्म की सज़ा नहीं दी जा सकती, दोनों से एक ही सलूक नहीं किया जाएगा। जाहिल कासिर है। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने उलमा से पहले अहद लिया कि वो इल्म देंगे, जाहिलों से बाद में ये पैमान बांधा कि वो इल्म लेंगे। इसीलिए उलमा मुंतज़िर नहीं रहते कि कोई जाहिल आकर पूछे तब बताएं, उलमा पूछने के लिए ख़ुद तरबियत करते हैं, सलूनी सलूनी कबल अन तफ़्क़दूनी, पूछो मुझसे पूछो कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान न रह जाऊँ। लेकिन ज़ाहिर है कि ये बात सिर्फ़ उलमा कह सकते हैं। यहाँ जो मैं लफ्ज़ उलमा कह रहा हूँ उसमें गैर मासूम उलमा शामिल नहीं है। हदीस मासूम है, फरमाया नहनुल उलमा व शियातुनल मुतअल्लिमून, आलिम तो हम हैं, हमारे शिया सब के सब तालिब इल्म हैं। शरफ हमारा यह है कि हम तालिब इल्म के तौर पर ज़िंदगी बसर करें। यह ख्याल है, जहाँ तक भी इस वक्त मेरी आवाज़ जा रही है, बच्चे जवान नौजवान बुज़ुर्ग ख़वातीन हज़रात, एक जुमला याद रखें, बहैसियत इंसान बहैसियत मुसलमान बहैसियत मोमिन बहैसियत आशिक खुदा आशिक रसूल खुदा आशिक औलियाउल्लाह आशिक अमीरुल मोमिनीन, हमारा शरफ सिर्फ इसमें है कि हम तलबगी की ज़िंदगी गुजारें, अज अव्वल ता आखिर हमारे अंदर जस्तजू इल्म होना चाहिए, तालिब इल्मी की खू होनी चाहिए।
अगर तालिब इल्मी इल्म हासिल करने की खूह नहीं है तो हम कुछ हो सकते हैं, अच्छे इंसान भी नहीं हो सकते। तवज्जो रहे, मेंबरों से आपको पैगाम मिलना चाहिए, इंसान का शरफ यही है कि उसमें एक फैकल्टी ऐसी दी गई है, एक इस्तेदाद ऐसी रखी गई है, एक सलाहियत ऐसी रखी गई है कि वो तलब इल्म कर सकता है, इल्म हासिल कर सकता है। परवरदिगार आलम ने इस पूरी कायनात को बनाया भी इस हिकमत से है कि इस कायनात की हर शय से आप इल्म हासिल कर सकते हैं। तवज्जो है, इस कायनात की हर हर शय से आप इल्म हासिल कर सकते हैं। आपको ताज्जुब हो रहा होगा, हैरत हो रही होगी, मुबालिगा समझ रहे होंगे आप, ना कोई मुबालिगा है ना कोई इसमें खतीबाना सुखन गुस्तरी है। कायनात की हर हर शय, हर हर जर्रा, हर परे काह, घास की हर पत्ती वसीले अख़्ज़ इल्म है। ये सच्चाई है, खुली हुई सच्चाई, मुनकशिफ हकीकत है। ये मुनकशिफ हकीकत है। साइंसदान क्या कर रहे हैं आज, 21वीं सदी है, साइंसदान क्या कर रहे हैं, कायनात की हर हर शय का मुतालआ कर रहे हैं, उसके मुतालआ के नतीजे में उनके इल्म में इजाफा हो रहा है। समंदरों की तहों में गोता लगा रहे हैं, खलाओं में परवाज कर रहे हैं, जर्रे जर्रे का जिगर चाक कर रहे हैं, दरख्तों का, पत्तियों का, हैवानात का, हशरातुल अर्ज का, किस चीज़ का मुतालआ इंसान नहीं कर रहा है। हर शय के मुतालआ के नतीजे में इंसान को क्या मिल रहा है, तवज्जो रहे, हर शय के मुतालआ के नतीजे में इंसान को इल्म मिल रहा है। यानी जैसे लफ्ज़ों को बदल दूँ बच्चों को समझाने के लिए, ऐसा लगता है कि जैसे हर जगह कोई ख़जाना छुपा हुआ हो, ज़रा सी खाक हटाई ख़जाना निकल आया, और खाक हटाई ख़जाना निकल आया, पहाड़ों पर गए चट्टाने हटाई ख़जाना निकल आया। यानी किसी ने ख़जाना हर जगह छुपा रखा है तब तो ख़जाने निकल रहे हैं। किसी ने ख़जाने छुपा रखे हैं तब तो ख़जाने निकल रहे हैं। इंसान का तजर्बा है ये विजदानन, कायनात के हर हर जर्रे का मुतालआ किया जा रहा है, स्टडी की जा रही है, और नतीजे में इंसान के इल्म में इजाफा हो रहा है। इंसान ने कायनात बनाई नहीं है, इंसान सिर्फ कायनात की स्टडी कर रहा है जिसके नतीजे में उसके इल्म में इजाफा हो रहा है। इस कायनात के जर्रे जर्रे की स्टडी के नतीजे में जो इल्म में इजाफा हो रहा है, तो क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि वो खालिक कायनात कितना बड़ा साहिब इल्म होगा जिसने इस कायनात को इल्म की बुनियाद पर खल्क फरमाया है। देखिए, जो शय जैसी होती है वैसे ही उसके आसार होते हैं, वैसे ही उसके आसार होते हैं। खालिक चूँकि आलिम है, इसलिए उसने जो कायनात बनाई उसके ज़र्रे ज़र्रे में इल्म है। तवज्जो है, खालिक आलिम है, उसने जो कायनात बनाई उसके ज़र्रे ज़र्रे में इल्म है, मगर हर जर्रे में या हर शय में उस शय का नाम इल्म नहीं है। जब तक दरख्त है वो दरख्त है, उसे इल्म नहीं कहते। जब तक पहाड़ है वो पहाड़ है, उसे इल्म नहीं कहते। जब तक समंदर है वो समंदर है, उसे इल्म नहीं कहते।
यही पहाड़, यही दरख्त, यही समंदर, यही सहरा जब ज़हन इंसानी का हिस्सा बन जाते हैं तो इल्म कहलाते हैं। ज़हन इंसानी, इंसान के ज़हन में जब चीज़ आ गई तो उसका नाम इल्म है। इसके मानी है कि इल्म, ज़र्फ़ इल्म हकीकतन ज़र्फ़ ज़हन बशरी है, ज़र्फ़ रूह बशरी है। आपके ज़हन में, आपके कल्ब में जब तक हकीकत ना आए उसका नाम इल्म नहीं आए। आपके ज़हन में जब वो हकीकत मुंतकिल हो गई तो उसका नाम इल्म रखा गया। और इस मकाम पर आप पर लुत्फ़ व करम इलाही है कि ये चीज़ दो ही जगह इल्म का नाम पाती है। जब ज़ात बारी ताला में होती है तब उसे इल्म कहते हैं, या जब ज़ात इंसान में मुंतकिल होती है तब उसे इल्म कहते हैं। उसके अलावा उसे इल्म नहीं कहते। तवज्जो है, उसके कुछ और नाम हो सकते हैं मगर इल्म नहीं कहते। तो शरफ़ इंसानी मुनहसर हुआ किस बात में? इल्म में। शरफ़ इंसानी मुनहसर हुआ इल्म में। और हम तालिब इल्म हैं, हम कायनात का मुतालआ करेंगे तो हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा। मगर परवरदिगार आलम ने जिसने इस पूरी कायनात को असास इल्म पर खल्क फरमाया, उसने कुछ हस्तियाँ ऐसी खल्क फरमाई हैं जिन्हें पूरी कायनात का इल्म अता करके इस दुनिया में भेजा है, जो इस दुनिया में आने के बाद कायनात का मुतालआ करने की मोहताज नहीं हैं, जो इस हम आम इंसान में और मुस्तफ़ा व अहले बैत मुस्तफ़ा में यही बुनियादी फ़र्क है। आम इंसान इस कायनात में आने के बाद कायनात का मुतालआ करने पर मजबूर है अपने इल्म में इजाफे के लिए, मगर ज़ात गिरामी मुस्तफ़ा और अहले बैत मुस्तफ़ा इस कायनात में आने के बाद कायनात की स्टडी करने के लिए मजबूर नहीं हैं। इसीलिए आम इंसान तालिब इल्म है, उनकी हैसियत उलमा की हैसियत है। वो उलमा हैं, वो कहते हैं नहनुल उलमा व शीअतुनल मुतअल्लिमून। उलमा तो हम हैं, हमारे चाहने वाले सब के सब तालिब इल्म हैं, मुतअल्लिम हैं। बस फ़ज़ाइल की भी बात थी इसमें, आपके लिए नसीहत की भी बात थी। मेयार क्या हुआ चाहने वाले का? चाहने वाले का मेयार ये है कि अगर वो तालिब इल्म है तो सच्चा चाहने वाला है। तालिब इल्म नहीं है तो इसका मतलब सच्चा चाहने वाला नहीं। बड़ी नाजुक सी बात है। इस मजमे में, इतने बड़े मजमे में बहुत से बूढ़े होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, ख़वातीन होंगी, मर्द होंगे, बच्चे और जवान तो आज अहद कर लेंगे कि हम इल्म हासिल करना शुरू करेंगे। आप ज़िंदगी के जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तहसील इल्म ज़िंदगी के किसी मसले से टकराता नहीं है। ये तवज्जो रखिए, इतनी बात समझ लीजिए। आप बिज़नेस करते हों, आप ज़राअत करते हों, आप सरकारी मुलाज़मत करते हों, आप इक्तिसाद के शोबे में मुलाज़मत करते हों, आप फ़ौज के शोबे में मुलाज़मत करते हों, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में आप हों, हुसूल इल्म का मसला ज़िंदगी के किसी भी मसले से टकराता नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हों अगर हुसूल इल्म का सिलसिला जारी रहेगा तो उस शोबे में आपकी कामयाबियां बढ़ती चली जाएंगी। जिस शोबे में भी आप हैं, शोबा बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने शोबे में आप और कामयाब हो जाएंगे अगर आपने इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। मगर इल्म के नाम पर गैर इल्म हासिल न कीजिएगा।
ये दौर वो है कि जो नए रंग का दौर है। इल्म के नाम पर गैर इल्म हासिल ना कीजिएगा, फ़लसफ़े के नाम पर गैर फ़लसफ़ा में मुब्तला ना हो जाइएगा, हिकमत के नाम पर गैर हिकमत का मुतालआ ना कीजिएगा। जो आज हो रहा है, आज की सनअत सबसे बड़ी है, ये मैं सिर्फ बाखबर कर रहा हूँ। जो बाखबर हैं वो हैं, जो बाखबर नहीं हैं हमारे भोले भाले जवान नौजवान स्टूडेंट्स, उन्हें मालूम नहीं है कि दुनिया में क्या मजाक हो रहा है उनके साथ या क्या ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। राई को पहाड़ बना देना आसान है, मग़रबी मीडिया ये काम कर रहा है, मौजूदा दुनिया भर का मीडिया ये काम कर रहा है। मामूली मामूली हजरात जो इल्म व फ़िक्र व फ़लसफ़े की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, उलझी उलझी बातें लिख देते हैं और उनकी किताबें बेस्ट सेलर्स में आती हैं, और आप समझते हैं कि ये फ़लसफ़ा है, ये हिकमत है, इसमें ज़िंदगी की बातें हैं। इसमें ज़िंदगी की बातें नहीं हैं, हरगिज़ ज़िंदगी की बातें नहीं हैं। फ़लसफ़े के नाम पर, इल्म के नाम पर गैर इल्म के मुश्तरी ना बने। इल्म वही है जिसकी तस्दीक काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह से हो जाए। ये उसूल लेके जाइएगा, इसको मैं अगली दो तकरीरों में डिफेंड करूँगा, अर्ज़ करूँगा। ये पुराना फार्मूला नहीं है। इल्म वही है कि जिसकी तस्दीक उस साहिब इल्म से हो जाए जो मिंबर पे कहता रहा सलूनी सलूनी कबल अन तफ़्ख़ुदूनी, पूछ लो मुझसे, पूछ लो जो कुछ पूछना चाहो कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूँ। और ये भी फरमाया कि मैं आसमान के रास्तों से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ बनिस्बत ज़मीन के रास्तों। ये भी फरमाया। ये सब बातें आप हजरात की सुनी हुई हैं, मैं तो सिर्फ दरमियान में अर्ज़ कर रहा था। और बात उस हदीस से आगे बढ़ गई थी कि इस दुनिया में हमें अगर ज़िंदगी बसर करना है और इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करके हमें अपनी आखिरत भी संवारनी है तो हमें इल्म का सिलसिला जारी रखना पड़ेगा। और वो भी कौन सा इल्म? दुनिया का हर इल्म आप हासिल कर लें, हर फ़न आप हासिल कर लें, मगर अपने ज़माने के इमाम से बेखबर हों तो मौत तो वही रहेगी जाहिलियत की मौत। दुनिया और आखिरत दोनों का हुसूल तभी मुमकिन है कि जब आप अपने इमाम आसर अज्जलल्लाह तआला पर उनकी मारिफत हो। अब एक मसला है, मैं सादा तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ, बस तमहीद है आज, बाकी गुजारिशें कल करूँगा इंशाअल्लाह। चंद बातें बिल्कुल डायरेक्ट अर्ज कर दूं, जो हजरात सुन रहे हैं वो अच्छी तरह सुन लें और याद रखें ये जुमले। अकीदा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम क़ुरानी अकीदा है, इस्लामी अकीदा है, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर मबनी अकीदा है, और मिल्लत इस्लामिया का तमाम मसालिक और तमाम मज़ाहिब का मुश्तरक अकीदा है। और मिल्लत इस्लामिया की बड़ी कुव्वत है इस अकीदे में। जो लोग इस अकीदे से इन्हिराफ कर रहे हैं या आवाम उन्नास से ये बता रहे हैं कि कोई महदी आने वाला नहीं है, वो इस मिल्लत को कमज़ोर कर रहे हैं, इससे कुव्वत सल्ब कर रहे हैं। अकीदा हज़रत महदी, इस हकीकत से वाकिफियत कि हमारा इमाम मौजूद है, ज़िंदा है, मौजूद है, इतनी बड़ी कुव्वत है कि इस कुव्वत से बातिल अज़हान परेशान है। आप जितने मुतमइन नहीं हैं उससे ज़्यादा दुश्मन मुज़तरिब हैं।
यह सच्चाई इस वक्त दुनिया की सच्चाई है। आप जिस कदर मुतमईन भी नहीं हैं उससे ज़्यादा दुश्मन मुज़तरिब हैं, चूँकि जिसकी जो चीज़ होती है उसे उतनी कदर नहीं होती। आम तौर पर यह होता है, उतनी कदर नहीं होती। लेकिन जिसके पास वो चीज़ नहीं है और वो उस चीज़ की कदर व कीमत से वाकिफ़ है, वो मुस्तरिब रहता है। या तो वो चीज़ उसे मिल जाए या जिन्हें हासिल है उनके हाथ से भी निकल जाए। ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अफराद में भी हसद होता है, कौमों में भी हसद होता है। पूरी पूरी कौमें एक दूसरे से हसद करती हैं, कौमों में मुसाबिका होता है। और इसलिए याद रखें यही तुम्हारे लिए बेहतर है। शर्त क्या है? अगर तुम साहिब ईमान हो, अगर तुम साहिब ईमान हो, इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम साहिब ईमान हो तो फिर वही बेहतर है तुम्हारे लिए जिसे अल्लाह ने बचा कर रखा है। अब देखिए ये तो सादा सा तर्जुमा है, तर्जमे का हक़ मैं परसों अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस फ़िक्रे का तर्जुमा हो नहीं सकता। बकियतुल्लाह ये ऐसी अदबी ताबीर है कि इसका तर्जमा हो नहीं सकता। क़ुरान मजीद के बहुत से मकामात हैं जिनका तर्जमा नहीं हो सकता, और इसीलिए अल्लाह ने ख़ुद तर्जमे नाजिल फरमा दिए हैं। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने किताब भी नाजिल फरमाई, किताब के साथ किताब के तर्जमे भी नाजिल किए, और बहुत ज़्यादा तर्जमे नहीं नाजिल किए हैं, कुल 14 तर्जमे हैं। 13 तर्जमे सामने आ चुके हैं, 14वें का इंतज़ार है। बस जब वो 14वां तर्जमा आ जाएगा तो पूरा कुरान समझ में आ जाएगा, हर नुक्ता समझ में आ जाएगा। कोई नुक्ता ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। लेकिन जब तक वो 14वां तर्जमा सामने नहीं आता, बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और उसके समझने के लिए इंतज़ार शर्त है। देखिए ना, कोई भी इल्मी रिसर्च हो, कायनात की हकीकत के बारे में साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी अभी तक ज़ेर सवाल है, सच है गलत है क्या है। जिस साइंटिस्ट ने ब्लैक होल की थ्योरी पेश की थी वो ख़ुद उस थ्योरी से पीछे हट रहा है। अभी जनाब वाला वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंसी तजर्बा शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर उसमें रुकावटें आ गईं। कायनाती हकीकतों को समझने के लिए पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है। जिस तरह पूरी दुनिया कायनाती हकीकतों को दरियाफ्त करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, कशफ करने के लिए इंतज़ार कर रही है, अगर हम भी इंतज़ार कर रहे हैं तो किसी को बुरा क्यों लग रहा है? उसमें तंज की, तारीज की गुंजाइश कहाँ है? हम भी तो इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार एक इल्मी अमल है, इंतज़ार एक इल्मी रियाजत है, इल्मी रियाजत है, गैर इल्मी रियाजत नहीं है। इल्मी रियाजत और गैर इल्मी रियाजत की तरकीब ज़बान पर आ गई तो एक मैसेज और आप तक दे दूँ। देखिए, पहला शरफ़ इंसान का यह है कि वो हुसूल इल्म के लिए पैदा हुआ है, और दूसरा शरफ़ क्या है? इंसान सिर्फ दो कामों के लिए पैदा हुआ है। जितने सुनने वाले हैं बस यही दो लफ्ज़ सुन के जाएं,
इंसान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दो कामों के लिए पैदा हुआ है, एक इल्म व मारिफत हासिल करने के लिए, दूसरे इश्क करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए। तीसरा कोई काम नहीं है इंसान का। मारिफत हासिल करना और मारिफत जिसकी मिल जाए उससे मोहब्बत करना, देखिए ये याद रखिए। आम तौर पर कहा जाता है मोहब्बत अंधी होती है, गलत कहा जाता है। न मोहब्बत अंधी होती है न इश्क अंधा होता है, हरगिज़ नहीं। मोहब्बत पैदा ही नहीं होती जब तक के मारिफत ना हो। मुमकिन नहीं है कि मोहब्बत पैदा हो जाए बग़ैर मारिफत के, मुमकिन नहीं है। आप मजाजी मोहब्बत की मिसाल ले लें और उसके बाद हकीकी मोहब्बत की बात हो जाएगी। अगरचे ये भी याद रखें कि मजाजी मोहब्बत और हकीकी मोहब्बत में जो खत फासिल खींचा जाता है वो हकीकी नहीं है। मजाजी मोहब्बत कोई शय ही नहीं है। इफ्तिखार आरिफ साहब तशरीफ़ फरमाएं, शायर हैं। शायर का मौजू होता है इश्क व मोहब्बत। मैं इनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ मजाजी मोहब्बत कोई शय ही नहीं होती। मोहब्बत खुद एक मुजर्रद हकीकत है, उसमें मादी लगावट पैदा हो ही नहीं सकती। आप बताइए, मादी और मुजर्रद का बहस आज सुबह मैंने कहीं की है। मादी किसे कहते हैं? मादी उसे कहते हैं जिसमें मादे की प्रॉपर्टीज पाई जाएं, मैटर की प्रॉपर्टीज पाई जाएं। मैटर में, मादे में वजन होता है, हजम होता है, रंग होता है, वॉल्यूम होता है, वेट होता है, ये सब मैटर की प्रॉपर्टीज हैं। मटेरियल बॉडीज को तौला जा सकता है, नापा जा सकता है। आप बताइए ये सब प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स मोहब्बत में पाई जाती हैं? मोहब्बत का कद किसी ने नापा है आज तक? मोहब्बत का हजम किसी ने देखा है आज तक? मोहब्बत में वॉल्यूम होता है, वेट होता है, रंग होता है। हर रंग में मोहब्बत होती है मगर मोहब्बत का अपना कोई रंग नहीं होता। मोहब्बत खुद एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी है, मोहब्बत खुद मुजर्रद हकीकत है। मुजर्रद हकीकत को मादी लगावट पैदा हो ही नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। तो मोहब्बत को हकीकी और मजाजी में तकसीम ना करें, लेकिन बरसबील मिसाल तकरीब ज़हन के लिए बात को समझने और समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि किसी का मैंने नाम सुना और नाम के साथ उसकी कुछ खूबियाँ सुनी। पहले नाम सुना, खूबियाँ सुनी, नाम अच्छा लगा, खूबियाँ पसंद आईं, दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये मुमकिन नहीं है कि किसी का नाम भी ना सुना हो, खूबियाँ भी ना सुनी हो, किसी बेनाम और निशान की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए। मुमकिन नहीं है। किसी बेनाम और निशान की मोहब्बत दिल में पैदा नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं आए। इसीलिए हम कहते हैं खुदा की मोहब्बत भी पैदा नहीं हो सकती, इसलिए कि वो बेनाम और निशान है। उसकी मोहब्बत पैदा होगी तब जब उसके नामों और निशानों को पहचाने। ऐ
इश्क खुदा तब पैदा होगा जब इश्क मुस्तफ़ा पैदा हो, इश्क खुदा तब पैदा होगा जब इश्क मुर्तज़ा पैदा हो, इश्क खुदा तब पैदा होगा जब इश्क जहरा पैदा हो। इसलिए कि यही उसके नाम हैं, यही उसके निशान हैं। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले। उसका नाम हमने इन्हीं से सुना और उसके आयात यही हैं, उसके निशानात यही हैं। बहरहाल ये तो इब्तिदाई में बात इंतहा तक पहुंच गई, लेकिन जो मैं बात अर्ज़ कर रहा था उसे बेतरतीब भी अर्ज़ कर दूं कि बग़ैर नाम सुने हुए मुमकिन नहीं है किसी की मोहब्बत पैदा हो जाए। इसलिए मारिफत पहले है, मोहब्बत बाद में। ये न कहिए कि मोहब्बत बग़ैर मारिफत के पैदा होती है, ये न कहिए कि इश्क बग़ैर इल्म के पैदा होता है। इल्म और इश्क में कोई बैर नहीं है। इल्म हुक्म देता है, इश्क अमल करता है। इंसान का दो ही शरफ है, इल्म हासिल करना और इल्म के मुताबिक अमल करना। इल्म हासिल करना ये एक काम, इल्म के मुताबिक अमल करना यानी इश्क के आदाब बजा लाना। मारिफत के मुताबिक अमल ही इश्क के आदाब में है। जहालत में कदम उठाना इश्क के आदाब में नहीं है, इश्क के आदाब में है इल्म के साथ कदम उठाना। हर अमल इल्म के सांचे में ढला हुआ हो। इसीलिए जिंदगी जाहिलियत की जिंदगी होगी अगर मारिफत ना हो। किसकी मारिफत ना हो? उसकी मारिफत जिसकी सीरत के सांचे में अमल ढल जाए तो काबिल कबूल होता है। हर दौर का इमाम अपने वक्त में वास्ते फैज़ इलाही होता है। यानी अगर इमाम न हो तो कायनात बाकी नहीं रह सकती। अगर इमाम का वजूद न हो, हुज्जत खुदा का वजूद न हो, दस्त अदब जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, दिलों को संभाल के और जहनों को संभाल के बैठिएगा और जुमला सुनिएगा। ये मुसल्लमात में से है, इसके लिए इस्लामी इल्मुन नफ्स, इस्लामी जहान शनासी यानी इस्लामी कायनात शनासी का इल्म, इस्लामी फ़लसफ़ा, इस्लामी हिकमत, इल्म कलाम खूब अच्छी तरह पढ़ने की ज़रूरत है। इल्म इरफान खूब अच्छी तरह पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे मालूम हो कि कायनात की असास क्या है, कायनात की असास क्या है। तो अंदाज़ा होगा कि ये कायनात मुमकिन नहीं है कि एक आन के लिए भी बाकी रहे जब तक कि कोई वास्ते फैज़ इलाही ना हो। यानी कोई ऐसी ज़ात, कोई ऐसा वास्ता, कोई ऐसा वसीला, कोई ऐसा सबब, कोई ऐसा ज़रिया ना हो जिसके ज़रिए से खुदावंद आलम हज़रत हक़ सुबहानहु व तआला का फैज़ खिलकत तक पहुँचे। वाज़े है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपने दौर में वास्ते फैज़ इलाही थे बज़ाहिर इस दुनिया में, लेकिन हज़रत पैगंबर की ज़ात गिरामी आनियो फ़ानियो वक्ती नहीं है। वो उस वक्त भी नबी थे जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, वो आज भी नबी हैं। मैंने अर्ज़ किया था कहीं, और ये जुमला बहरहाल बहुत तफसीर व तशरीह चाहता है इल्मी और कलामी भी, कि ज़ात मुबारक मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम उसमें हकीकत नबूवत मुनहसर है, उसी तरह जिस तरह हकीकत उलूहियत ज़ात खुदा में मुनहसर है। जिस तरह हकीकत उलूहियत ज़ात हक समदी में मुनहसर है,
उसी तरह हकीकत नबुवत ज़ात मुस्तफ़वी में मुनहसर है, मगर बहरहाल इस खाक नाए दहर में, इस कायनात में हुजूर की हयात मुबारक 63 साल की है। उस 63 साल परवरदिगार आलम का वासिते फैज़ आलम ज़ाहिर में भी मुहम्मद की ज़ात थी, आलम बातिन में तो उनकी ज़ात थी ही और है ही, माजी में भी वासिते फैज़ इलाही ज़ात मुहम्मद थी, हाल में भी वासिते फैज़ इलाही ज़ात मुहम्मद है और मुस्तकबिल में भी वासिते फैज़ इलाही ज़ात मुहम्मद रहेगी। इस लिहाज से ज़ात मुहम्मदी में कोई शिर्क ना करे, इस लिहाज से कोई शिर्क ना करे ज़ात गिरामी मुहम्मदी में सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हकीकत उलूहियत मुनहसर है ज़ात समदी में, हकीकत नबुवत और वासिते फैज़ होना मुनहसर है ज़ात मुस्तफ़वी में। अब इस आलम ज़ाहिर में, इस खाक नाए दहर में जब तक हुजूर ज़ाहिर नहीं हुए थे और जब हुजूर फिर आलम गैब में चले गए हैं, बाकी जितने वासिते फैज़ इलाही हैं सबकी हैसियत हुजूर के नायब की है। सब की हैसियत हुजूर के नायब की है। आदम अपने दौर में हुजूर के नायब थे, नूह अपने दौर में हुजूर के नायब थे, इब्राहिम अपने दौर में हुजूर के नायब थे, मूसा अपने दौर में हुजूर के नायब थे, ईसा अपने दौर में हुजूर के नायब थे, तवज्जो है, ये सब नबी थे, मगर इनकी नबूवत का सरचश्मा क्या था? हुजूर की जात। आज ना सकत है ना मैं इन मतालिब को पेश करना चाहता था, बस मिंबर पे आया हूँ तबर्रुकन तो कुछ जुमले कहता चला गया। वो अंबियाए किराम अपने अपने दौर में नबी थे, मगर हुजूर की ज़ात की निस्बत से अगर देखा जाए तो सबकी हैसियत वही थी जो नायब रसूल की होती है। तो हुजूर की नियाबत का सिलसिला दो है, एक वो है जो आदम से हुजूर तक रहा, एक वो है हुजूर से कयामत तक। तवज्जो है, दो सिलसिले हैं नियाबत के, एक आदम से हुजूर तक, एक हुजूर से कयाम कयामत तक। और इसलिए ये याद रखें कि हुजूर जब इस वक्त इस आलम ज़ाहिर में नहीं हैं, हयात हैं, जिंदा हैं, हाजिर हैं, नाजिर हैं, इसमें कोई शक व शुबा ना कीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि नायब भेज देने के बाद नायब भेजने वाला गाफिल हो जाए। अल्लाह ने रसूल भेजने के बाद क्या गफलत इख्तियार कर ली खिलकत की तरफ से? अल्लाह ने अंबिया को भेजने के बाद क्या खिलकत की तरफ से गफलत इख्तियार की है? नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ने गफलत इख्तियार नहीं फरमाई। नायब भेज देने के ये मानी नहीं है कि वो गैर मुतअल्लिक हो गए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर होता है कि जब नायब भेज दिया तो फिर खिलकत का ताल्लुक उस नायब ही से देखना चाहता है। नायब भेजने वाला ये देखता है कि खिलकत हमारी मुतीह है या नहीं, और इताअत की शर्त ये ठहरती है कि हमने जिसे भेजा है उसे मानो। खुद हज़रत हक सुबहानहु व तआला रब अकबर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने क्या तरीक़ा इख्तियार फरमाया? बज़ाहिर शैतान तो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह का सजदा करता था,
लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, मेरी इताअत के मानी है कि मैं जिसे खलीफा बनाऊं, मैं जिसे कहूं सजदा करने के लिए उसे सजदा करो, तब मेरे बंदे रहोगे। एक मेयार है नायब बनाने वाला, सिर्फ ये नहीं देखता कि आप उसकी वफा का दम भर रहे हैं, वो ये देखना चाहता है कि मैं जिसे नस्ब कर दूं उसे कबूल करोगे तब मेरे इताअत शियार कहलाओगे, तब मेरे वफादार कहलाओगे। तो अब ये मेयार हो गया, पैगंबर जिसे नस्ब कर दें उसकी इताअत करना गोया पैगंबर की इताअत करना है, और पैगंबर जिसके लिए ऐलान कर दें, कयामत तक सिलसिला है। सही है बुखारी की एक रिवायत याद आ गई, सही है बुखारी में भी है और सही है तिर्मिज़ी में भी है, और रिवायत यह है कि हुजूर ने फरमाया, ला यज़ालु हाज़द्दीन अज़ीज़न हत्ता यम्ज़ी फ़ीहिम इथना अशर अमीरन या इशना इथना अशर रजुलन, यानी ये दीन उस वक्त तक सरबलंद रहेगा जब तक के इसमें मेरे बाद मेरे 12 जानशीन रहेंगे। दूसरे मकाम पर आपने फरमाया, इनमें का पहला अली इब्न अबी तालिब होगा, इनमें का आखिरी महदी होगा, जिसका नाम मेरा नाम होगा, जिसकी कुनियत मेरी कुनियत होगी, जो मेरी बेटी जहरा की जुर्रियत से होगा, जो मेरे बेटे हुसैन की नस्ल से होगा, और जब तक वो कायम जाहिर ना हो जाए उस वक्त तक कयामत आ नहीं सकती। हुजूर का इरशाद है, हुजूर वो नबी सादिक व मुसद्दक जिसकी कोई बात आज तक गलत साबित ना हुई, ये बात कैसे गलत साबित हो सकती है? अब मैं अर्ज़ कर दूँ, ये चूँकि ये शुभात वो हैं, ये एतराज़ात वो हैं, ये शकूक वो हैं जो हर जगह फैले हुए हैं और इसमें मुब्तला किया जाता है उम्मत को, इसलिए बस दो जुमलों में अर्ज़ कर रहा हूँ। उलमा इस्लाम इख्तिलाफ़ करते हैं, कुछ कहते हैं कि ये हसन की नस्ल से होंगे, कुछ कहते हैं हुसैन की नस्ल से होंगे, कुछ कहते हैं पैदा हो चुके हैं, कुछ कहते हैं पैदा होंगे। बस आज इन्हीं दो मसलों को अर्ज़ करूँगा और उसके बाद गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा बहुत इख्तसार के साथ। जहाँ तक ये मसला है कि वो इमाम हसन की नस्ल से होंगे या इमाम हुसैन की नस्ल से, हदीसें सब जमा कीजिए, मैंने हदीसों का ततब्बु किया है, एक एक हदीस इन पलकों पे सजी हुई है, एक एक हदीस, खुदा की कसम मिंबर से अर्ज कर रहा हूँ, एक एक हदीस, और उन हदीसों का एक एक रावी मीज़ान नज़र में तुला हुआ है। तमाम मुसलमानों ने जो हदीसें नकल की हैं उनमें अगर फहम हदीस पैदा हो जाए तो कोई इख्तिलाफ ना हो। हदीस को समझने की ज़रूरत है, एक बयान को दूसरे बयान से तत्बीक देने की ज़रूरत है। होता यह है कि हुजूर ने कुछ कहा, हुजूर के सुनने वाले भी तो क्या क्या उम्दा ज़हन रखते थे, ज़हन ही नहीं तवज्जो रखते थे, कैसी तवज्जो रखते थे, कुरान उठा के देखिए, मस्जिद से निकल के कहते थे माजा काला आनेफन, ये क्या कह रहे थे अभी, किसी और ने नहीं, ये जुमला तारीख का नहीं है, ये जुमला हदीस का नहीं है, ये जुमला कुरान में, क्या बावफा थे, क्या अहले सफा थे, क्या जान निसार करने वाले थे जो ध्यान लगा के बात भी न सुने। कुरान कह रहा है कि उठ के कहते थे माजा काला आनेफन, ये अभी कह क्या रहे थे। अच्छा, जब हुजूर की बात बराह रास्त तवज्जो से नहीं सुनते थे, कुछ सुनते थे कुछ नहीं सुनते थे, तो जब ये लोग दूसरों से नकल करते होंगे तो कितनी तवज्जो से सुनी जाती होगी।
और फिर यानी हुजूर की बात कितनी तवज्जो से सुनी जाती है वो कुरान से पूछ लीजिए। अब हुजूर से सुनी हुई जिन्होंने नकल की उनकी कितनी तवज्जो से सुनी गई होगी, और उनसे उनके बाद वाली नस्ल से जिनने नकल की उन्होंने कितनी तवज्जो से सुनी होगी। इसके मानी ये हैं कि हदीस सुनने में और नकल करने में इश्तबाह वाक़े हो जाता है, कभी इरादतन कभी बे इरादा, कभी इरादतन कभी बे इरादा। यही हदीस जो मैंने अभी इतना आशर वाली बयान की, इसमें अगर पूरे मतन को पेश करूं उसका तज़िया करूं तो अर्ज़ हो तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कितनी गफलत बरती गई। रावी कहता है कि हुजूर ने कहा इतना आशर अमीरन या इतना आशर रजुलन, और उसके बाद कुछ और कहा जो मैं सुन नहीं सका। हदीस सही बुखारी में, कुछ और कहा जो मैं सुन ना सका। तो मैंने किसी और से पूछा कि और क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था ये कहा था कि सब के सब कुरैश से होंगे, 12 के 12 सब के सब कुरैश से होंगे। ये किसने कहा? किसी दूसरे ने कहा। हुजूर ने क्या कहा था वो तो इन्होंने सुना ही नहीं। हुजूर ने तो कहा था कि वो सब के सब मेरी नस्ल से होंगे, मेरी जुर्रियत से होंगे, मेरी फातिमा की जुर्रियत से होंगे। लेकिन बहरहाल सब के सब कुरैश से होंगे यही तस्लीम किए लेते हैं। ये है तवज्जो, तवज्जो का आलम कि हुजूर ने कुछ कहा इसके बाद कुछ कहा। खुदा का शुक्र है कि लफ्ज़ 12 महफूज रह गया। ये सहीह बुखारी में भी है, सहीह मुस्लिम में भी है, दोनों किताबों में है। खुदा का शुक्र है लफ्ज़ 12 महफूज है। और उसके साथ एक चीज़ महफूज है कि दीन की इज्जत 12 से जुड़ी हुई है। दीन की इज्जत, दीन की इज्जत, दीन की सरबलंदी। अब वो 12 कौन होंगे? ज़ाहिर कुरैश से होंगे। दूसरी जगह हदीस जो हुजूर ने फरमाई उसमें कहा पहले उनमें के अली होंगे, आखिरी उनमें के मेहदी होंगे। अब हज़रत मेहदी के सिलसिले में जितनी रिवायतें हैं उन रिवायतों में कुछ रिवायतों में है कि वह हज़रत हसन के फ़र्जंद होंगे, कुछ में है हज़रत हुसैन के फ़र्जंद होंगे। दोनों रिवायतें उलमाए इस्लाम ने नकल फरमाई हैं। मैं मसालिक और मज़ाहिब और फ़िरक़ों का नाम नहीं लेता हूँ इसलिए कि मुझे तफरीक़े से नफ़रत है। तमाम उलमा इस्लाम ने लिखा है और उन्होंने लिखा है कि कुछ ने हसन अलैहिस्सलाम का नाम लिखा है, कुछ ने हुसैन का। अगर जमा करने की नीयत हो तो दोनों हदीसों का जमा करना आसान है। हमारा मेहदी बेटा हसन का है, नस्ल से हुसैन की है। कोई इख्तिलाफ रह गया? ग्यारहवें इमाम का नाम क्या है? हसन इब्न अली। बेटा हसन का है, नस्ल से हुसैन की है, और इतना तय है कि जुर्रियत फातिमा की है। भाई अगर उम्मत में वहदत पैदा करना हो तो उसके रास्ते हजार हैं, लेकिन काश के किसी में नीयत हो वहदत पैदा करने की। बेटा हसन का है, नस्ल से हुसैन की है, जुर्रियत जहरा की है, आल रसूलुल्लाह की है, खानदान कुरैश का है। फरमाने है ना, जब
बस इस गुफ्तगू में यही दूसरा मसला भी अर्ज कर दूँ। दूसरा मसला यह है कि पैदा हो चुके हैं या पैदा होंगे। ये एक मसला हल करने के लिए मैं एक सवाल पहले कायम कर दूँ। ये बताइए कि जो शख्स इतना सब तमाम मुसलमान इस हदीस रसूल को मानते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी जुर्रियत से एक इमाम बरहक कयामत से पहले आएगा जो इस दुनिया को जो जुल्म व जोर से भर चुकी होगी उसी तरह अदल व इंसाफ से भर देगा, और जब तक वो नहीं आएगा कयामत नहीं आएगी। अगर कयामत आने में एक दिन भी बाकी रह जाएगा तो खुदावंद आलम उस दिन को इतना दराज करेगा कि वो जहूर फरमाए। क्यों ऐसा होगा? ताकि वादा इलाही पूरा हो जाए। वादा इलाही क्या है? गलबे इस्लाम, रूए जमीन पर अल्लाह का आखिरी दीन गालिब आ जाए, इक्तदार हक कायम हो जाए। पैगंबर वादे इलाही के तहक्कुक की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जो शख्स पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी फैली हुई दुनिया, जो शख्स इतनी बड़ी दुनिया में तने तनहा आदिल कायम कर दे, खुद वो कितना बड़ा आदिल होगा, कितना बड़ा आदिल होगा, आदिल होगा या नहीं? ये तो मुमकिन नहीं है कि जालिम आदिल पैदा करे। आदिल होंगे। अदालत की बुलंद तरीन सतह को इस्मत कहते हैं। इस्मत पैदा होती है वही से। बगैर वही के कोई मासूम नहीं हो सकता। मैं तेजी से गुजर रहा हूं ताकि मेरी ताकत भी साथ ना छोड़े और गुफ्तगू भी बस मुकम्मल हो जाए। वही के बगैर कोई मासूम नहीं होता। और ख़त्म नबूवत का ऐलान हो चुका। अब अगर कोई पैदा होगा तो क्या उसे मासूम बनाने के लिए फिर कोई वही आएगी? वही आएगी तो ख़त्म नबूवत का अकीदा कहाँ रह जाएगा? क्योंकि अब वही नहीं आ सकती, इसलिए ख़त्म नबूवत के अकीदे का तकाजा यह है कि उस मासूम को मौजूद माना जाए। यानी जो इल्म इलाही आना था आ चुका, सीना ख़त्म नबूवत से जिसे इल्म लेना था वो ले चुका, और सीना ब सीना दहन ब दहन ये इल्म मुंतकिल होता रहा। पैगंबर ने किसी को अपनी जबान चुसा चुसा के पाला था। तीन मासूमों को ये शरफ है। अली को जबान चुसाई, हसन को जबान चुसाई, हुसैन को जबान चुसाई। हुसैन ने सैयद सज्जाद को जबान चुसाई, सैयद सज्जाद ने मोहम्मद बाकिर को जबान चुसाई। इस ज़बान चुसाने का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि हमारे यहाँ हर मासूम अपने इल्म का सरचश्मा मोहम्मद को करार देता है, किसी और को नहीं। कोई और है ही नहीं सरचश्मा इल्म। खुदा ने जितना इल्म बशर को देना था वो मोहम्मद को दिया, इसीलिए मोहम्मद शहर इल्म है, किसी और को नहीं। और फरमाया आपने तो हुजूर अकरम से इल्म का सिलसिला चला। इसीलिए एक इस्तिदलाल और एक इस्तिशाद, जब भी मौलाए कायनात ने अपने इल्म का इजहार किया है तो मालूम है क्या कहा है? जब भी अपनी जिंदगी में 14 मर्तबा सलूनी का दावा किया है अली ने, एक दो मर्तबा नहीं, 14 मर्तबा, 14 मुख्तलिफ मौके पर। जी, उन रिवायतों की भी तफसील अर्ज कर सकता हूं आपके सामने, तारीख के साथ, मौके के साथ, महल के साथ, और हर रिवायत के साथ अर्ज करूंगा कि जब जब आपने दावा किया किसने क्या पूछा, अली ने क्या जवाब दिया। लेकिन हिफ्ज़ मरातिब देखिए अहले बैत का, जब तक हुजूर इस दुनिया में रहे तब तक कभी सलूनी का नारा अली ने नहीं लगाया। हिफ्ज़ मरातिब,
हिफ्ज मरातब, जब तक हुजूर रहे कभी सलूनी का दावा नहीं किया। पहली बार हुजूर के बाद सलूनी का दावा किया है। कब किया? जब अली मजबूर बना दिए गए थे उस वक्त किया। जब लोग दुनिया के पीछे भाग रहे थे तो अली आवाज दे रहे थे सलूनी सलूनी कबलान तफ़क़दूनी, मुझसे इल्म लेते जाओ, दुनिया से तुम्हें इल्म नहीं मिलेगा। 14 मरतबा। और जब भी कहा है तो एक जुमला कहा, हा होना इल्मन जम्मा, हा होना लुआब रसूलिल्लाह, मुझसे इल्म लो, यहां लुआब रसूलुल्लाह है, लुआब रसूलुल्लाह। इन फिक्रों की तशरीह के लिए और इसको समझने के लिए न जाने कितने इतिकाफ किए जाते हैं। लुआब रसूलुल्लाह इल्म है, लुआब रसूलुल्लाह इल्म है। वो लुआब रसूलुल्लाह दहन बदहन पहुँचा सैयद सज्जाद से बाकर उलूम तक, हज़रत बाकर उलूम से हज़रत सादिक आले मोहम्मद तक, हज़रत सादिक आले मोहम्मद से इमाम मूसा अल काज़िम तक, इमाम मूसा अल काज़िम से इमाम अली रज़ा तक, इमाम अली रज़ा से इमाम मोहम्मद तकी तक, इमाम मोहम्मद तकी से इमाम अली नकी तक, इमाम अली नकी से इमाम हसन अस्करी तक, और हसन इब्न अली से उस तक जो अमानतदार ख़त्म नबूवत है, जो महजर ख़त्म नबूवत की आखिरी मोहर है, उस तक जिसका लकब कुरान में बकियतुल्लाह है और जिसको हम बकियतुल्लाहिल आज़म कहते हैं। सिर्फ बकियतुल्लाह नहीं, बकियतुल्लाहिल आज़म कहना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों को बाकी रखा है, जितनी चीज़ों को बाकी रखा है उनमें सबसे बड़ी हकीकत ज़ात महदी मुंतज़र है। तन्हा इमाम महदी के बका पर जहन जो है तशवीश का शिकार हो जाता है। हाय मुसलमान, हाय मुसलमान, मुसलमान इमाम महदी के बारे में सवालात करता है, एतराजात करता है, कैसे मुमकिन है कि 1200 बरस गुजर गए अभी जिंदा हो? बड़ी रकीक मिसाल है मैं दे रहा हूँ दस्ते अदब जोड़ के, कभी शैतान के बारे में नहीं सोचा? कैसे मुमकिन है? शैतान की उम्र तो और ज़्यादा है। कहा साहब, शैतान को अल्लाह ने जीने की मोहलत दी है तो हम कब कहते हैं कि मेहदी को किसी गैरुल्लाह ने जिंदा रखा? ये निज़ाम इलाही है, जब एक गुमराह करने वाले ने ज़िंदगी की भीख मांग ली तो अल्लाह के लुत्फ़ और करम का तकाजा ये था कि हिदायत करने वाले को भी ज़िंदगी अता करे। और मैं दस्ते अदब जोड़ के कहता हूँ कि ये मिसाल दे तो दी मैंने, मगर शायान शान हज़रत मेहदी नहीं आए। हम शैतान की मिसाल देकर अपने मेहदी की ज़िंदगी साबित नहीं करते। दूसरी मिसाल मौजूद है, कोई मुसलमान है किसी में जुरत है जो ईसा की ज़िंदगी का इनकार करे? हज़रत ईसा मेहदी, हज़रत ईसा नबी हैं, जिंदा हैं या नहीं हैं? जिंदा है, किसने जिंदा रखा है? अल्लाह ने जिंदा रखा है, अल्लाह ने जिंदा रखा है। हजरत ईसा को जो अल्लाह जिंदा रख सकता है, जो मरियम के बेटे को जिंदा रख सकता है, वो क्या जहरा के बेटे को जिंदा नहीं रख सकता? जो खुदा मरियम के बेटे को ज़िंदा रख सकता है वो जहरा के बेटे को ज़िंदा नहीं रख सकता? और एक जुमला अर्ज़ करूँ, बस इसी पे गुफ्तगू ख़त्म है, फिर सही बुखारी का हवाला दे रहा हूँ। सही बुखारी में एक अजीब व गरीब मकाम है, हुजूर ने अपने असहाब से ख़िताब करके फ़रमाया है, कैफ़ा अंतुम,
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا, کیفیت کیا ہوگی, کیسی حیرت ہوگی تمہیں جب مریم کا فرزند نازل ہوگا لیکن امامت کرنے والا تمہارے درمیان سے آگے بڑھے گا. صحیح ہے بخاری, امامت کرنے والا تمہارے درمیان سے آگے بڑھے گا. غور فرما رہے ہیں آپ, مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا, زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا, اور اب ایک مسلمہ اصول یاد رکھیے, پیچھے نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں معموم, آگے نماز پڑھانے والے کو کہتے ہیں امام. جب معموم کی یہ فضیلت ہے کہ اسے طول حیات ملی, تو امام کو تو معموم سے افضل ہونا چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب آپ سمجھے میں نے بقیت اللہ العظم کیوں کہا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, پھر فہرست وہیں سے شروع کروں. جیسی ذہنیت سننے والوں کی, مطلب سننے والوں میں آپ شمار نہیں ہیں, آپ شمار نہیں ہیں. دنیا اللہ نے جسے باقی رکھا ہے اس میں سے ایک شیطان بھی ہے, اللہ نے جسے باقی رکھا ہے اس میں سے ایک خضر بھی ہے, اللہ نے جسے باقی رکھا ہے اس میں سے الیاس بھی ہیں, اللہ نے جسے باقی رکھا ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, اللہ نے جسے باقی رکھا ہے اس میں مہدی علیہ السلام بھی ہیں. اسی لیے مہدی بقیت اللہ الاعظم ہے, سب سے عظیم وہ ہستی جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ مہدی ہیں. اور اس لیے خود حضرت مہدی سراپا مظہر ہیں اس میں گرامی باقی کا. اللہ کے کتنے نام ہیں, اللہ کے اچھے اچھے نام اسماء حسنہ, اس میں سے ایک نام ہے الباقی. اب ظاہر ہے کہ بیان کا حق ادا نہیں ہو پائے گا, مگر میں یہ عرض کر دوں کہ لفظ الباقی کا اطلاق خدا پر مجازن ہوتا ہے, ان پر حقیقتن ہوتا ہے. یہ ہے مظہر اسم باقی, یہ نہ ہو تو سمجھ میں نہ آئے کہ وہ باقی کیسے ہے. یہ اسم الہی, اسم الہی ہیں, یہ خود اسم الہی ہیں, یہ خود اسم الہی ہیں. اور اسم الہی الباقی کا سراپا مظہر ہے. جب اللہ کو پکارو الباقی کہہ کر تو ذہن میں ان کا تصور لیا, تب سمجھ میں آئیں گے الباقی کے معنی. بس آج اتنی ہی گفتگو, اس سے زیادہ نہیں. بہت ہو گئی, بہت گفتگو ہو گئی, میں بالکل اس سے بہت مختصر گفتگو کرنے کے کیفیت میں آیا تھا یہاں پر, مگر یہ باقی ہیں, اللہ نے باقی رکھا ہے تو ایک عظیم مقصد کے لیے. وہ کیا مقصد ہے؟ دنیا میں عادل قائم کریں گے, دنیا میں انصاف قائم کریں گے, اور جب انصاف کریں گے تو جو دنیا میں مظلوم ہیں ان کو ظالموں سے حق لے کر دیں گے, اور خود ایک مظلوم کے وارث ہیں. بس اب میں یہاں پر گنگ ہو جاتا ہوں, میری زبان کچھ بیان ہی نہیں کر پاتی.
मेरी समझ में नहीं आता कि किस किस से किस किस तरह से हक लेंगे। अजरकुम अल्लाह, आका हक लेंगे, आका इंसाफ दिलाएंगे, मगर अपनी जद्दे माजदा जहरा को कैसे इंसाफ दिलाएंगे? आका इंसाफ दिलाएंगे मगर अपनी फूफी जैनब को कैसे इंसाफ दिलाएंगे? आका इंसाफ दिलाएंगे मगर बीबी उम्मुल बनीन को कैसे इंसाफ दिलाएं? तफसीलात हैं, रजात की रिवायतें हैं, मैं वो नहीं पढ़ सकता। मकाम मसाइब, मुमकिन नहीं है कि जो जुल्म आले मोहम्मद पर हुआ है कभी उसका कसास पूरा हो सके, कभी कभी उस जुल्म का वो खून जो बहा है उसकी कभी दियत मुकम्मल हो सके, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। कत्ल का बदला शरीयत में कत्ल है, मगर लाशों के पामाल किए जाने का बदला क्या है? कातिल का बदला कत्ल है, मगर मुखद्दरात इस्मत व तहारत की बरहनगी, सरों से चादरों के छिन जाने का क्या क़िसास मुमकिन है? बस अब बस दो जुमला अर्ज़ करूँगा। आप मजलिसें सुन रहे हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं, अब मुझ में बिल्कुल सकत और ताकत नहीं है। बस अर्ज़ करूँ, आले मोहम्मद पे जुल्म, आले मोहम्मद पे सितम। आज जो लोग कातिलाने हुसैन की आज भी वकालत करना चाहते हैं और उन्हें मुसलमान साबित करना चाहते हैं, वो मुझे ये बता दें कि करबला में कत्ल तो दोनों तरफ से हुए थे, लेकिन जो दुश्मन कत्ल हुए थे, जो फौज यजीदी से कत्ल हुए थे, फौज यजीदी के सिपह सालार पिसरे नहस ने उन्हें दफन किया, उन पे नमाज पढ़ी, मगर फर्जंद रसूल पे न नमाज पढ़ी न दफन किया। मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, चूंकि पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। कहते हैं ये जो आज भी हामियान यजीद हैं, ये कहते हैं कि वो फर्जंद रसूल थे, सिप्त रसूल थे, सब बजा, मगर वो हाकिम वक्त के सियासी हरीफ बनकर आ गए थे। सियासी हरीफ ही थे ना, दीन से खारिज तो नहीं हो गए थे? आपके नुक्ते नज़र से सियासी हरीफ ही तो थे, आपके नुक्ते नज़र से सियासी हरीफ ही तो थे। सियासी हरीफ को आपने कत्ल कर दिया मैदान में, मगर क्या वो सियासी हरीफ नमाज जनाजा का भी मुस्तहिक न था? क्या वो नमाज जनाजा का भी मुस्तहिक न था? कौन था सियासी हरीफ आपका? फर्जंद रसूल, सिप्त रसूल हुसैन इब्न अली, जिसने कत्ल होने से कुछ देर पहले इकरार करा लिया था, क्या मेरे अलावा रूए ज़मीन पर कोई और तुम्हारे रसूल का नवासा जिंदा है? क्या मेरे अलावा कोई और सिप्ते रसूल है? सबने कहा नहीं। कहा फिर ये बताओ, क्या मैंने तुम्हारे दीन में कोई तब्दीली कर दी है? नहीं। मैंने किसी हलाल को हराम, हराम को हलाल कर दिया है? नहीं। हुसैन ये इकरार किस लिए ले रहे थे? ताकि कयाम कयामत तक के लिए हुज्जत हो जाए, हुज्जत हो जाए। गौर तलब है मसला। आज 21वीं सदी में भी हामियान यजीद कातिलान हुसैन को मुसलमान साबित करते हैं, जबकि उन्होंने फर्जंद रसूल पे नमाज जनाजा ना पढ़ी, और उसके बाद जो अहले बैत रसूल के साथ सलूक हुआ है, ज़ैनब को असीर किया गया, उम्मे कुलसूम को असीर किया गया, हुसैन की 4 साल की बच्ची, उसके चेहरे पर तमाचे लगाए गए,
बेटी बाप के लाशे से लपट कर बैन कर रही है और उसको नैजे चुभो चुभो कर छोड़ाया जा रहा है। ये तारीख है, मैं मक्तल नहीं पढ़ रहा, ये तारीख है, ये तारीख है। और बस आखिरी जुमला, कभी मैं ये पढ़ने के लिए दिल से आमादा नहीं होता हूँ, मगर मुसलमानों के जहनों को झिझोड़ने के लिए बार बार पढ़ता हूँ। तारीखों में पढ़ें, ये किसी मरसिया निगार का जहन नहीं, जहन की तख्लीक नहीं है, किसी शायर के जहन की तख्लीक नहीं है, ये तारीख है। तारीख हुसैन का वो सर जो सर से जुदा किया गया, हुसैन का वो सर जो नो के नैजा पे कुरान की तिलावत कर रहा था, जब वो सर दरबार उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद में पहुंचाए, दोनों दरबारों में हुसैन के सर के साथ ये इहानत की गई, दोनों दरबारों में तख्त पर हाकिम लईन है और जमीन पर तश्त तिला में सरे हुसैन है, और एक छड़ी लेकर हुसैन के होठों और दांतों से बेअदबी हो रही है। ये वो दर्दनाक और अलमनाक मंजर था। सफर की तारीखें हैं, तारीख पढ़िए। जब लुटा हुआ काफिला, असीरों का काफिला आजाद होकर मदीने पहुंचा है, मदीने पहुंचाए तो सीधे कब्रे पैगंबर पर पहुंचा, और कब्रे पैगंबर पर पहुंचने के बाद ज़ैनब ने चौखट को पकड़कर बुलंद आवाज से कहा, या जद्दा इन्नी नाइयतुन इलैका अखिल हुसैन, ए मेरे नाना, मैं अपने भैया हुसैन की सुनानी सुनाने आई हूं, मेरा भाई कत्ल कर दिया गया। उम्मे कुलसुम आगे बढ़ी, उन्होंने भी कहा, अस्सलामु अलैका या जद्दा इन्नी नाइयतुन इलैका वलदकल हुसैन, ए नाना, मैं आपको आपके बेटे हुसैन की सुनानी सुना रही हूँ, आपका बेटा हुसैन कत्ल कर दिया गया। और उन्हीं बीबियों से एक बीबी आगे बढ़ी और उसने कहा, ए नाना, मैं वो मंजर नहीं भुला सकती जिन होठों को आप बोसा देते थे, जिन होठों को बोसा देते थे, उन होठों और दांतों से यजीद लईन अपनी छड़ी से बेअदबी कर रहा था और पूछता जाता था सरे हुसैन से खिताब करके, कहो हुसैन, कहो हुसैन, ये ज़र्ब तुम्हें कैसी लग रही है? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार,